हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, मायसेल्फ शबीर हसन। दोस्तों, सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद करनी है हमें डाउनलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ईमेल रिसीव होने के 24 आवर्स बाद आप कर सकते हो ये डाउनलोड। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हमें लिखना है jk.gov.in करके हमें लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास अपने स्टेट की ऑफिशियल पोर्टल आएगी। ऊपरी आपको जाना है सर्विसेज पे, लेफ्ट साइड से ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके पास लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। ये यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी देनी है, जो आपने एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे थे उस समय जो आपने आईडी और पासवर्ड रखा है वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। पासवर्ड सबमिट करने के बाद सिटीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटीज़न देने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट क्लिक करने के बाद आप यहाँ इंटर हो जाते हो इनके वेबसाइट में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से ई सर्विस पे जाना है आपको। ई सर्विस पे जाते ही आपको नीचे आना है, लेफ्ट साइड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जाना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड। पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन नंबर पहले कॉपी करना है। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही अपने फ़ोन में जब इस पर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो वहाँ पे कॉपी लिंक टेक्स्ट पे आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे ही आना है लेफ्ट साइड से और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी को पेस्ट करना है। एप्लीकेशन आईडी को पेस्ट करने के बाद आपको देखना है ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो ही आप सबमिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद। ये देखिए आप लेफ्ट साइड से हमारे नीचे आ गई है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो के राइट साइड में आज वही से सिग्नेचर आता है जो 2021 में जो भी सर्टिफिकेट आई उनको राइट साइड में सिग्नेचर होता है। जो पुरानी थी उनको आप नीचे देख सकते हो सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, ये फिर वेरीफाई करवाना पड़ता था एडोब रीडर से। तो ऐसे आप कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन आईडी डाउनलोड तो था उसमें। तो चलिए दोस्तों, अब वापस जाते हैं हम इस पर अपने वेबसाइट पर और यहाँ पर ऊपर लॉग आउट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, तो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।